everyone, welcome you all on our YouTube channel SimSolves. I hope you all are doing great. स्वागत है आप सभी का SimSolves के Google Ads ट्यूटोरियल में, जहां आप सभी के लिए मैं बताने वाली हूं, आप सभी को देने वाली हूं A to Z complete knowledge about Google Ads. तो मैंने आप सभी को प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि कैसे आप सभी अपना Google Ad अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, क्या स्ट्रक्चर है, किन लेवल पर काम करना है, कैंपिंग्स, एड्स के बारे में हमने थोड़ी बहुत बातें की थी. और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गूगल एड्स मैनेजर के बारे में. गूगल एड्स मैनेजर क्या होता है, क्या उसके यूजेस हैं, क्यों हमें यूज़ करना चाहिए, और गूगल बैजेस क्या होते हैं, गूगल पार्टनर प्रोग्राम क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे. अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे अपने गूगल एड्स अकाउंट को लिंक करना है गूगल एड्स मैनेजर के लिए, ये सारे कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं. और गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि आप सभी को गूगल एड्स से रिलेटेड सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें. साथ ही अगर आप सभी हमारे गूगल एड्स की वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में आपको जो है सारा पूरा गूगल एड्स का ट्यूटोरियल मिल जाएगा. तो आज की वीडियो का एजेंडा हमारा क्लियर है कि आपको अपना गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, कैसे ये अलग है आपके गूगल एड्स से, और आप सभी गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट के अंदर कैसे अपने गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट करोगे, कैसे उसे लिंक करोगे, ये सारे इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है. तो सबसे पहले आप सभी को गाइस क्या करना है, आप सभी मेरे साथ साथ ये प्रोसेस जो है चेक कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ताकि आप सभी कोई भी की पॉइंट जो है मिस ना करो. इसलिए आप सभी को साथ साथ इम्प्लीमेंट भी करना है. तो अभी हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं. ब्राउजर पर आप सभी को आना है और सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर सर्च करना है गूगल एड्स मैनेजर. जैसा कि नाम में मेंशन है मैनेजर, तो आपको यहां से एक चीज तो क्लियर हो जाएगा, हो रहा होगा, वो है मैनेज का. तो यहां पर आपके जितने भी गूगल एड्स अकाउंट हैं, गूगल एड्स मैनेजर जो है वो आपके सारे गूगल एड्स अकाउंट को यहां से एक ही प्लेटफॉर्म पर मैनेज करता है. एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से आप सभी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से मल्टीपल गूगल एड्स अकाउंट को मैनेज कर सकते हो, उसे बोलते हैं गूगल एड्स मैनेजर. और ये जितने भी एजेंसीज हैं जिनके पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो दूसरे का काम हैंडल करते हैं, गूगल एड्स का काम हैंडल करते हैं, तो उनके पास मल्टीपल गूगल एड्स अकाउंट होते हैं, और उन लोगों के लिए गूगल एड्स मैनेजर जो है बहुत ही यूजफुल होता है. एज वेल एज अगर आप सभी फ्रीलांसर काम कर रहे हो, गूगल एड्स रन कर रहे हो, अगर आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स के गूगल एड्स अकाउंट है तो आप उसके लिए भी यूज कर सकते हो, या फिर खुद का आपका बहुत सारा गूगल एड्स अकाउंट है तब भी यूज कर सकते हो. यहाँ पर देख सकते हो कि एक चीज जो मेंशन है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगी. प्रिवियसली जो गूगल एड्स का नाम जो था वो था MCC, यानी कि माय क्लाइंट सेंटर. और यहाँ पर आपको गूगल एड्स अकाउंट में ही जो है आपका गूगल एड्स मैनेजर में आपको यहाँ पर गूगल का पार्टनर बैज, उसके बारे में आपने सुना होगा कि कई सारी वेबसाइट पर आपको गूगल का पार्टनर बैज, पार्टनर प्रोग्राम का बैज जो है दिख जाता है, और इस पर भी कुछ एड स्पेंड्स लगे होते हैं. मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दिखा रही हूँ गूगल एड्स बैज. तो ये गूगल पार्टनर जो आपको दिख रहा है, इस तरीके का बैज जो है बहुत लोगों को मिलता है, और इसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो भी एजेंसीज के पास होता है, जिन वेबसाइट्स के पास होता है, कुछ एड स्पेंड होता है, इस पर कुछ क्राइटेरिया होता है. और ये जब क्राइटेरिया आप जो है कंप्लीट कर लेते हो, एड स्पेंड जो है क्लियर कर लेते हो, तब जाकर आपको ये बैज मिलता है. और ये बैज जो है आपको दिखाता है आपकी वेबसाइट या आपकी एजेंसी के लिए अच्छा होता है. ये दिखाता है कि आप कितने एस्टैब्लिश्ड हो, आप कितने लेजिट हो, ऑथेंटिक हो, ये सारी चीजें जो है रिफ्लेक्ट करता है. आप गूगल एड्स की तरफ से ऑथराइज्ड हो, ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट करता है. तो ये सारे प्रोसेस पर हम लोग बात करेंगे कि क्या एड स्पेंड है, इसमें क्या क्राइटेरिया है, किन चीजों को आपको फॉलो करना चाहिए. तो सबसे पहले स्टेप में गाइस हम लोग क्या करेंगे, आपको यहाँ पर जो गूगल एड्स मैनेजर का यहाँ पर दिख रहा है इंटरफेस, यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में साइन इन का ऑप्शन दिख रहा है. तो सिंपली आप सभी को यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर लेना है. सो गाइस, साइन इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के ऑप्शन आएंगे, जहाँ पर न्यू गूगल एड्स अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड आपको दिख रहा है यहाँ पर स्विच गूगल अकाउंट, और यहाँ पर मेरी ऑलरेडी जो अकाउंट है वो ऑप्शन दिख रहे हैं. तो यहाँ पर आपको जो चूज करना है वो है गूगल एड्स अकाउंट मैनेज और सेटअप. तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करते के साथ आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन जो है फिलअप करनी होगी, ताकि आप सभी लॉग इन कर सको. कन्फर्म योर बिजनेस इन्फॉर्मेशन, और आपके यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गूगल एड्स अकाउंट के लिए आपका जीमेल आईडी होना जरूरी है, तो सेम आपका जो गूगल एड्स अकाउंट है, अगर गूगल एड्स मैनेजर में आप लॉग इन कर रहे हो तो आपके पास गूगल एड्स का अकाउंट भी होना चाहिए, मेल आईडी भी होनी चाहिए. यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस का नाम जो है एंटर करना है. तो यहाँ पर मैं एंटर कर लेती हूँ SimSolves 2. यहाँ पर बिलिंग कंट्री जो है इंडिया है, और टाइम जोन जो है वही रहने दूंगी मैं GMT, और करेंसी जो है INR यानी कि इंडियन रुपीज में यहाँ पर रहने दूंगी. अब यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पर सबमिट करना है. उससे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी, ये है मेरी आईडी, जो यहाँ पर आपको एक आईडी दिख रहा होगा जिससे मैंने गूगल एड्स अकाउंट क्रिएट किया था.
और यहाँ पर आपके नाम का जो इनिशियल है, आपके अकाउंट का इनिशियल, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको स्विच अकाउंट का भी ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ से आप सभी मैनेज भी कर सकते हो अपना अलग अलग गूगल अकाउंट। तो अभी हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। तो जैसे ही हम लोग सबमिट करेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, कॉन्ग्रेट्स यू आर ऑल डन एक्सप्लोर योर अकाउंट। और आप सभी लोगों को भी ये सारे प्रोसेस मेरे साथ इम्प्लीमेंट करने हैं ताकि आप सभी कुछ फॉरगेट यानी मिस ना करो। यहाँ से हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं अकाउंट को, और जैसे ही आप सभी क्लिक करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर दिखेगा ओवरव्यू, इनसाइट्स, अकाउंट्स, कैंपिंग, सेटिंग्स, चेंज हिस्ट्री। और यहाँ पर देख सकते हो कि आपको कैंपिंग्स और अकाउंट्स के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो कैंपिंग्स यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिख रहा जो आपको गूगल एड्स अकाउंट में दिख रहा था, वहाँ पर आपको कैंपिंग्स जो है क्रिएट करने होते हैं। और यहाँ से आप कैंपिंग्स क्रिएट नहीं कर सकते, यहाँ से आप कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हो तो वो है अकाउंट। आप सभी गूगल एड्स मैनेजर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट गूगल एड्स अकाउंट जो है क्रिएट कर सकते हो, लेकिन यहाँ से कैंपिंग्स क्रिएट नहीं कर सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पर सारा ओवरव्यू दिखेगा आपके अकाउंट का। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपका जो भी यहाँ पर गूगल एड्स अकाउंट है उसका आपको यहाँ से ओवरव्यू दिखने वाला है गाइस। तो यहाँ पर आपको अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर मैं अकाउंट पर क्लिक करूंगी। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस, बजट और नोटिफिकेशन, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर गाइस आपको दिख रहे हैं। तो भी यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपने गूगल एड्स अकाउंट में, गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट में अपने गूगल एड्स अकाउंट को जो है एंटर करोगे, अपने क्लाइंट की अकाउंट को आप सभी लिंक करोगे। तो जैसे आप सभी अकाउंट्स पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको प्लस आइकन जो दिख रहा है इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करते के साथ दिख रहा होगा आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट न्यू मैनेजर अकाउंट। आप सभी एक गूगल एड्स मैनेजर के अकाउंट, एक नया मैनेजर अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा है क्रिएट न्यू अकाउंट, यहाँ से आप सभी एक न्यू अकाउंट जो है गाइस वो भी क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर है लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट। तो ये जो है गाइस ये है आपके क्लाइंट के लिए, अगर आप एक एजेंसी हो या फिर एज अ फ्रीलांसर काम कर रहे हो और आपको अपने क्लाइंट की जो भी गूगल एड्स अकाउंट है उनका, उनको यहाँ पर अगर आपको लिंक करना है ताकि आप एक प्लेटफॉर्म से मैनेज कर सको, तो ये थर्ड ऑप्शन आपके लिए है लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट। इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो गाइस जैसे आप सभी क्लिक करोगे आपको यहाँ पर ऐड करने के लिए आ जाएगा आपके जो भी क्लाइंट की है या फिर आपके पास जो भी गूगल एड्स अकाउंट है, और यहाँ पर जो आईडी है उसे आपको यहाँ पर पेस्ट करना होगा। तो इसके लिए आप सभी के पास आपके क्लाइंट का जो है एक अकाउंट होना चाहिए, एक गूगल एड्स अकाउंट की आईडी होनी चाहिए। और आईडी क्या होता है वो मैं आपको यहाँ से मेंशन करती हूँ। आईडी यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ना, मेल आईडी नहीं, यहाँ पर ये जो नंबर है इसे बोलते हैं आईडी। जैसे ही आप यहाँ प्लस पर क्लिक करोगे, लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट पर आओगे, और उसे ही आपको यहाँ पर अपने कस्टमर की आईडी को यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद उनकी जो मेल आईडी होगी उस पर ये वेरिफिकेशन एक कोड जाएगा आपके गूगल एड्स मैनेजर के साइट से, और उसको आपको अप्रूव करना होगा। तो जो भी क्लाइंट आपको एक्सेस दे रहा है डेफिनेटली आप सभी वहां से मेल पर भी लॉग इन कर लोगे, और उसे अप्रूव करने के बाद आप सभी अपने गूगल एड्स मैनेजर में गूगल एड्स अकाउंट जो है एड ऑन कर सकते हो। सो गाइज ये था फॉर्मूला आप सभी कैसे अपना गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, एज वेल एज सेम टाइम पर आप सभी यहाँ पर मल्टीपल गूगल एड्स अकाउंट जो है वो भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो, अपने डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हो, और एक ही प्लेटफॉर्म से सारी चीजें आप यहाँ से एनालाइज कर सकते हो। तो जैसे मैं आपको ये भी प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ, यहाँ पर मैंने आपको जो भी आईडी बनाई थी आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए, तो यहाँ से ये जो डिजिट्स है इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगी गाइज। और यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं वापस से आ जाऊंगी गूगल एड्स मैनेजर के पेज पर, और यहाँ से मैं प्लस आइकन पर आऊंगी जो मैंने आपको बताया था, लिंक एग्जिस्टिंग अकाउंट पर आऊंगी, और मैं आपको यहाँ से ये प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये आईडी जो है मैं पेस्ट कर दूंगी। पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ से सेंड रिक्वेस्ट जो है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर हम लोग इसे सेंड रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते के साथ यहाँ पर जो भी मेल आईडी जो है इस अकाउंट से आपके क्लाइंट के आईडी से जो है मेल आईडी होगी उस पर एक आपको लिंक जो है वेरिफिकेशन मेल जो है वहां पर जाने वाला है। सो गाइस इस तरीके का आपके मेल पर जो भी आपके क्लाइंट का मेल है या फिर अलग अलग गूगल एड्स अकाउंट है उस पर मेल आएगा जहां से आपको यू हैव अ पेंडिंग रिक्वेस्ट लिंक यू आर योर अकाउंट टू अ मैनेजर अकाउंट, और यहां से आपको इसे वेरीफाई करना होगा। तो यहां से आपको क्या करना है, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आप सभी वहां से सारे मेजर जो है अपने गूगल एड्स अकाउंट को एक ही जगह से मेजर कर सकते हो। तो वापस से भी हम लोग यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पर देख सकते हो यही सेम यहाँ पर ओवरव्यू यानी जो हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ पर अकाउंट्स दिख रहा है, ऑप्टिमाइजेशन स्कोर जो है यहाँ से आपको दिख रहा है, और यहाँ से आप सभी अपने मल्टीपल गूगल एड्स अकाउंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये ऐड होता जाएगा। अब एक बार फिर मैं चेक करती हूँ अप्रूव हुआ है नहीं। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे यहाँ आपको एक्सेप्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा, ग्रांट एक्सेस पर आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ से आप परमिशन जो है कंफर्म कर लोगे। सो फाइनली गाइस यहाँ से सारे सिक्योरिटी को अगर आप एक्सेस कर देते हो तो यहाँ से फाइनली आप यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हो। अब वापस से हम लोग आ जाएंगे अपने गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट पे। तो वापस से मैंने इस पेज को यहाँ से रिफ्रेश किया यानी कि रिलोड किया, और यहाँ से देख सकते हो हमारा एड मैनेजर अकाउंट जो है एड्स मैनेजर अकाउंट यहाँ से ऐड हो चुका है, और यहाँ से ऑप्टिमाइजेशन स्कोर इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ से आप जितने भी मल्टीपल एड्स अकाउंट ऐड करते जाओगे यहाँ से क्लियरली उसे
आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, अकाउंट टाइप, क्लिक्स, इंप्रेशन, सीटीआर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो गाइज दिस इज ऑल इन टूडेज वीडियोज। तो आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दिया कि कैसे आप सभी अपना गूगल एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएट करोगे, क्यों क्रिएट करना चाहिए, क्यों आपके लिए यूजफुल है, कैसे मल्टीपल एड्स अकाउंट आप यहाँ पर क्रिएट करके अलग अलग एक एड्स अकाउंट को एक ही प्लेटफॉर्म से यानी गूगल एड्स मैनेजर के थ्रू आप ऑप्टिमाइज करके इंप्रेशन, क्लिक, आरटीआर सारी चीजें यहाँ से आप चेक कर सकते हो। सो गाइज अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल पर नए हो अभी कभी सब्सक्राइब भी करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आप सभी को गूगल एड्स से रिलेटेड सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। और अभी बात करेंगे वैसे लोगों के बारे में जो ऐसी स्किल्स सीखना चाहते हैं जिसके थ्रू ऑनलाइन मनी अर्न कर सके, अपने ड्रीम जॉब पा सके, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। और गाइज इसके लिए कोई भी टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप बिगनर हो, स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम वर्कर हो, फुल टाइम वर्कर हो, फ्रीलांसर हो, रिटायर्ड पर्सन हो, हाउसवाइफ हो, तब भी आप सभी ऑनलाइन मनी अर्न कर सकते हो, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप ऐसा चाहते हो तो आपके लिए मेरे पास है डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, जिसके लिए आपको एक लिंक चेक करना है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप किया गया है। डेफिनेटली आप सभी लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना होगा, हो सकता है थोड़ा बहुत पता हो लेकिन आपने इंप्लीमेंट नहीं किया होगा। अगर आप समझना चाहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग कैसे काम करता है तो इस लिंक को आप सभी चेक कर सकते हो, जहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, वेबसाइट्स, एसईओ, एफिलिएट मार्केटिंग, होस्टिंग, इन सारी चीजों के बारे में जानने को मिलेगा। साथ ही साथ आप सभी को जैसा कि मैंने बताया कि ये 5 दिनों का फ्री डेमो क्लास है, 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करने, सिंपली आप सभी को यहाँ पर अपना टाइम एफर्ट देना है, जिसके लिए आप सभी को रजिस्टर करना होगा, नेम, मेल आईडी, फोन नंबर प्रोवाइड करना है, उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो 5 दिनों का फ्री डिजिटल मार्केटिंग डेमो क्लास। सो गाइज मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ, प्लेलिस्ट में हमारे गूगल एड्स की ट्यूटोरियल है, आप सभी वहां से वॉच कर सकते हो, लिंक को आप सभी चेक कर सकते हो अगर आप सभी डेमो क्लास अटेंड करना चाहते हो डिजिटल मार्केटिंग के लिए। और गाइज स्टे ट्यून टू आवर वीडियोस, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर यू ऑल, बाय।